बाबर आजम को एक बार फिर कप्तानी मिल गई। वनडे और टी20 में कौमी क्रिकेट टीम की कयादत करेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने तकरीरी का ऐलान कर दिया। ट्वीट में लिखा, बाबर आजम को कौमी सिलेक्शन कमेटी के मुतफिक का सिफारिश पर कयादत सौंपी गई है। बाबर आजम गुज़श्ता साल नवंबर में कप्तानी से 10 बरदार हुए थे। ताजिर दोस्त स्कीम की रजिस्ट्रेशन कल से शुरू होगी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, लाहौर, पिशावर और क्वेटा में ताजिर मोबाइल ऐप या FBR के वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आखिरी तारीख 30 अप्रैल है। ताजरों और दुकानदारों के लिए कम से कम एडवांस टैक्स 1200 रुपए होगा। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में जान बहक अफराद की तादाद 10 हो गई। मुजफ्फराबाद और दीगर इलाकों में लैंड स्लाइडिंग, रास्ते बंद। पंजाब समेत मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश का नया सिलसिला शुरू हो गया। लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्ते वक्ते से बरसात और झालाबारी। गलियात में बर्फबारी का सिलसिला शुरू। कराची के शहरियों की जान और माल डाकुओं को रहम करम पर। डकैती की वारदातों में एक और शहरी जान से गया। अयूब गोट नदी के करीब पुलिस मुकाबले की जद में आकर तौलिया फैक्ट्री का मुलाजिम जा बहक मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कांजी 4 बच्चों का बाप था, काम से घर वापस आ रहा था। पुलिस के मुताबिक डाकुओं की गोली कांजी को लगी। शिकारपुर इंडस हाईवे पर डाकुओं का पुलिस मोबाइल पर रॉकेट लॉन्चर से हमला। 5 पुलिस एहलकार शदीद जख्मी, डाकू फरार। जख्मी एहलकार सिविल अस्पताल मुंतकिल। डाकुओं ने दौरान गश्त हमला किया। पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही आज ईस्टर का त्यौहार मना रहे हैं। सदर आसिफ अली जरदारी की ईस्टर पर मसीही बरादरी को मुबारकबाद। कहा, मुल्की तरक्की में अकलियतों के इकदाम को सराहते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, तमाम अकलियतों की समाजी तरक्की और फलाह के अजम का आदा करते हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी मुबारकबाद। कहा, मसीही बरादरी अमन पसंद और काबिल एहतराम है। ईद की खरीदारी को टॉप गियर लग गया। शहरियों को खूबसूरत मलबूसात के साथ दीदा जेब जूतों की भी तलाश। बाजारों में नित नए वैरायटी तो आ गई, लेकिन खरीदार और दुकानदार महंगाई से परेशान। मुतवस्सित तबके ने तंग आकर ईद शॉपिंग के लिए सस्ते इतवार बाजारों का रुख किया, तो वहां भी रिलीफ न मिल सका। रमजानुल मुबारक का तीसरा और आखिरी अशरा मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में 50,000 से ज्यादा अफराद एतकाफ के लिए बैठ गए। पाकिस्तान में आज से नमाज असर के बाद हजारों फरजंदान इस्लाम एतकाफ में बैठेंगे। आज न्यूज की खुसूसी शहरी ट्रांसमिशन बरान रहमत शहरियार आसिम के साथ अवाम में मकबूल। 20वें रोजे की शहरी नशरियात में कानून की बालादस्ती के मौजू पर सैर हासिल गुफ्तगु। कव्वाल अजमल फरीदी और हमनवा ने समा बांध दिया। गजा के अलशिफा अस्पताल पर 13 रोज से जारी इसराइली हमलों में 400 से जायद फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा मीडिया ऑफिस के मुताबिक शोहदा में बड़ी तादाद मरीजों और हेल्थ केयर स्टाफ की है। कोयटी चौक में इमदाद के मुंतजर अफराद पर इसराइली फौज की फायरिंग, 21 फलस्तीनी शहीद हो गए। शोहदा की मजमू तादाद 32,705 तक जा पहुंची। इजरायली जारियत के खिलाफ मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाज। सेंट्रल लंदन में मिलियन मार्च, मुजाहरीन का इजरायल को लगाम डालने और गजा जंगबंदी का मुतालबा। उर्दन में 7वें रोज भी एहतजाजी मुजाहरा। ओमान में हजारों अफराद का इजरायली सिफारत खाने के करीब एहतजाज। मुजाहरीन का अपनी हुकूमत से इजरायल से ताल्लुक खत्म करने का मुतालबा। न्यूयॉर्क सिटी में भी फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। तेवंस में गजा की हिमायत में हजारों अफराद की रैली।